आत्मनामा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि नाहं कर्ता हरि कर्ता त्वत्पूजा कर्मजाखिलं यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं हरिः ओं तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु परमात्मने नमः विष्णुरन्ते देवस्सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जगदुत्पत्तिकर्ते च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविनाशाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च अधिगमदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॐ श्रीगुरुदेव दत्तगुरु जय दत्तगुरु पूर्णगुरु अवधूतगुरु 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 दत्तात्रेया तव चरणं सद्गुरुनाथा भवहरणं दत्तात्रेया तव शरणं
सत्तात्रेया तव शरणं सद्गुरुनाथ भवहरणं सत्तात्रेया तव शरणं सद्गुरुनाथ भवहरणं दत्त गुरु जय दत्त गुरु पूर्ण गुरु अवधूत गुरु दत्त गुरु जय दत्त गुरु पूर्ण गुरु अवधूत गुरु दत्त गुरु जय दत्त गुरु पूर्ण गुरु अवधूत गुरु अथ अवधूत चिंतनम गुरुदेव दत्त प्रिय अमर आत्मस्वरूप परमपिता परमात्मा के दिव्य संतान, हमारे परम सौभाग्य है प्रभु ने इस अमूल्य सुनहरी अवसर हमें दिया है सत्संग के वास्ते, भगवत चर्चा के वास्ते, वेदांत विचार के वास्ते, भक्ति भजन के वास्ते, ताकि ये पूरा एक दिवस जो है हमारे जीवन में एक विशेष पर्व दिन है, जब साधक लोग और भगवत भक्त एकत्रित होकर के भक्ति भाव के साथ भगवान के नाम के संकीर्तन करते हैं। भगवान स्वयं वहाँ पर पूर्ण रूप में उपस्थित है। ये प्रभु की स्वयं वाक है, जहाँ पर मेरा भक्त मुझे मेरा नाम को गायन करते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। वही मेरा वैकुंठ है, वही मेरा निवास स्थान है। भक्तों की, साधकों की संगत प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा ही मिलता है। हमारे जीवन में आज विशेष रूप में भगवान के आशीर्वाद है करके हम भक्तों की संगति में हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं। इसके वास्ते सर्वप्रथम हम अपना हार्दिक धन्यवाद और अपना कृतज्ञता भगवत चरण में हम अर्पण करना चाहिए। ऐसा देन जो है अमूल्य देन भगवान की, उनके अहेतु की कृपा, कारण बिनु रघुनाथ कृपाल होते हैं ना। तुलसीदास कहते हैं प्रभु की कृपा होने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है, हमारे तरफ से कोई कारण हम देने की जरूरत नहीं है, अहेतु की कृपा इसी के लिए कहते हैं। कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, उनका स्वयं स्वभाव है। तो ऐसा अहेतु की कृपा के ये अमूल्य एक दान है आज के दिवस। बाकी और प्रकार के सत्संग आसानी से मिल सकता है, लेकिन इस प्रकार की जो संगत, इस प्रकार के सहवास, इस प्रकार के संत समागम और भक्तों के समागम और एकत्रित होकर के भगवत चर्चा करना, कीर्तन भजन करना, इसलिए हम भगवत चरण में हमारे आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता पूर्वक उनको हम धन्यवाद देते हुए ये उनकी अमूल्य देन को हम स्वीकार करके अभी आगे चलते हैं। अध्यात्म जीवन और
साधना मार्ग में प्रवेश हो करके साधक बन करके साधना में लग जाना और कई प्रकार के विविध योग मार्ग में हम भगवतोन्मुख दिशा में चलना, इसके विषय में इसकी एक पहलू वन एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ साधना ऑफ प्रैक्टिस ऑफ योगा वो क्या है। स्वाध्याय की क्या विविध इससे हमें ये मालूम होता है, मानव व्यक्ति के अंदर पशुता मानवता दिव्यता तीनों है। पशुता काम क्रोध इत्यादि आसुरी संपदाओं के रूप में उपस्थित है, प्रकट भी होते हैं। मानवता अहंकार लोभ स्वार्थ ईर्ष्या इस रूप में प्रकट होते हैं, अति आशा तृष्णा ये भी बंधकारक है, और दिव्यता विश्व प्रेम पवित्रता दया क्षमा सदाचार संयम सात्विक भावना इस रूप में हमारे स्वभाव में हमारे आचरण में चरित्र में व्यवहार में प्रकट होते हैं। ये जो है उनके संकेत है, हमारे अंदर पशुता है कि नहीं, कितना मात्रा में है, तो इसको हम कैसा जानना है इसके प्राकृत्य से, ये इसकी निशानी ये इसकी सिम्टम्स है। पशुता जहाँ पर है वहाँ पर क्रोध है लोभ है द्वेष है हिंसात्मक प्रवृत्ति है अपवित्रता है, तो इसको हम हटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मानवता में अविचार है अविवेक है प्रमाद है, जानबूझ करके भी हम जो गलत है उसी को करते हैं, जानबूझ करके भी जो ठीक है करना है उसको नहीं करते हैं, ये सब मानवता की कमजोरी है। जैसे कि माँ दुर्योधन बोलता है, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, ये तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिचुएशन हो गया लेकिन ये एक्सक्यूज तो नहीं है। तो ऐसा ये मानव का दुर्बलता अविचार लेकिन कर्म और कलम कर्म फल भोग के शासन जहाँ तक जब तक लागू है, जो वो बोलते हैं अंग्रेजी में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग द लॉ, वो तो सजा हो ही जाएगा। हमको मालूम नहीं कायदा कानून मालूम नहीं बोला तो कौन ना बोला तुमको ऐसा तो इग्नोरेंस में रहने के लिए कौन बोला, इसको मालूम करना था तुम्हारा काम है हमारा काम नहीं है। कायदा कानून को पता लगाना मालूम करना वो तुम्हारा काम है। इसलिए मानवता की दुर्बलता जो है हमें कर्म और कर्म फल भोग के शासन से मुक्त नहीं करता है। क्या करूं जानते हुए भी तो हमारे में शक्ति नहीं रही, बोलता है सजा पाने में शक्ति आ जाएगी ऐसा। और जो दिव्यता है उसका निशान को भी जान करके दिव्यता के समृद्धि के वास्ते पशुता की निर्मूलन के वास्ते और मानवता की शोधन के वास्ते और परिशुद्धिकरण के वास्ते द इराडिकेशन ऑफ द एनिमल इन मैन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड द अवेकनिंग एंड एक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी
ये भी एक साधना की रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है। इसलिए तीनों की सिम्टम्स हम जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जगद्गुरु होते हुए अपना गीता ज्ञानोपदेश में काफ़ी मात्रा में हमें इस बात में बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है, बहुत कुछ सहायता प्रदान की है। केवल संकेत के रूप में इधर उधर कुछ बातों को मैं बताता हूँ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्, ये तीन को तुम बिल्कुल सर्वथा त्याग देना चाहिए। क्यों? ये तुम्हारे अंदर की जो कुछ आध्यात्मिकता है, दिव्यता है, इसको बुझा देगा, इसको ख़त्म कर देगा, समाप्त कर लेगा। ये डेंजर है। नाशनमात्मनः, आत्मा को नाश करने वाला है। आत्मा तो अविनाशी कहा जा गया है गीता में, आत्मा को ऐसा नाश कर सकता है? तो उसका अर्थ यही है, आध्यात्मिकता को नाश कर लेगा। स्पिरिट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट स्पिरिचुअलिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कम्प्लीटली, स्पिरिचुअलिटी कैन बी टोटली काउंटर बाई दिस। इसलिए कहा नाशनमात्मना, अनुचित कामना और क्रोध और द्वेष, क्योंकि ये केवल मात्र पशुता ही नहीं है, उससे भी निकृष्ट ये आसुरता है। 16वां अध्याय में इसके बारे में विवरित रूप से भगवान कहते हैं। 16वां अध्याय, जहाँ की दिव्यता क्या है, उसके विपरीत आसुरता क्या है, इसकी अंतर बताते हैं, इसकी विभाग, इसको विभाजित करके बताते हैं। और मानवता की जो मूर्खता के बारे में इधर उधर संकेत करके बताते हैं, जो बुद्धिमान है, जो तात्कालिक अल्प सुख के पीछे जा कर के नित्य और शाश्वत जो आनंद है उसको खो बैठता नहीं, अपने आप को उससे वंचित नहीं करता है। वो बोलता है वो जो है प्राप्त करने लायक है, इसलिए इसके पीछे एक तात्कालिक अल्प सुख के पीछे जाकर के मैं उसको खोने बैठूंगा। इसलिए वो बुद्धिशाली होकर के इसके जो तारतम्य में देखता है, कौन सा केवल मात्र तात्कालिक क्षणिक सुख है, कौन सा है जो शाश्वत है, नित्य है, परिपूर्ण आनंद की स्वरूप में है, इसका वो विश्लेषण करता है, इसका विवेक करता है। क्योंकि जो तात्कालिक है वो दुख के रूप में परिणाम, अंत में दुख के रूप में परिणत होता है। थोड़े समय के लिए ऐसा मालूम होता है कि बहुत मीठा है, बहुत आकर्षक है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दुख में परिणत होता है। इसलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धिशाली बनो, कौन सा शाश्वत आनंद है, परिपूर्ण आनंद है, कौन सा तात्कालिक क्षणिक अल्प सुख है, इसका अच्छी तरह से पदे पदे आपके जीवन में हर दिन इसका ये करते जाओ, एनालाइज करते, सोच करके आगे बढ़ते जाओ। कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते
आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुधः। बुधः मीन्स जिनके अंदर बुद्धि की विकास हो गया है तो वो इसमें नहीं रमता है, अल्प वस्तु में नहीं रमता है। इसमें सुख है लेकिन तात्कालिक है, अंत में जाकर के। और जो सात्विक स्वभाव का है, जिनके अंदर ज्ञान आ गया है, वो देखता है जो प्रारंभ में थोड़ा बहुत सुखदायी है लेकिन अंत में जा कर के दुखदायी होता है, वो बोलता है नहीं नहीं इसके पीछे जाना मूर्खता है। जो प्रारंभ में थोड़ा दुखदायी है अंत में जा कर के उसका परिणाम सुखप्रद है, हाँ वो बोलता है ठीक थोड़ा बहुत दुख सहन कर लेंगे, बाद में तो बहुत इससे हमें लाभ और बहुत सुख मिलेगा, ये ठीक है, ये बुद्धिमान है। कई चीज़ हैं, प्रारंभ में भी दुखदायी है, बीच में भी दुखदायी है, अंत में भी दुखदायी है। जो बिल्कुल तमोगुण प्रकृति का है वो ऐसा इसके पीछे जाता है, मालूम है दुखदायी है फिर भी उसी के पीछे जाएगा। तो इसलिए हमारे व्यवहार में हम कुशल होकर के हमारे मानव स्वभाव में जो कमी कमजोरी हैं तो उसको ठीक करते करते विवेकी और विचारशील होकर के हम अपना लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। लक्ष्य से च्युत नहीं होना चाहिए अविवेक और अविचार के कारण। और दिव्यता की विकास के वास्ते हम दिव्यता के साथ हर हमेशा एक सक्रिय प्रगतिशील एक संबंध बने रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए भगवान इसके लिए बहुत सारे बातों को बताया है। जो कुछ करना है कर्तव्य कर्म तो करना है, तो उसको हम ये टल नहीं सकते हैं करो, लेकिन तुम्हारे अंतकरण की अवस्था क्या हो। अनिवार्य कर्तव्य कर्मों को करते करते अंतकरण में योगी बनो, अंतकरण में योगावस्था को स्थापित करो। योगावस्था को स्थापित करके अपना कर्तव्य कर्म को करो, और इस प्रकार से योगावस्था को स्थापित रखने में जो कुछ अड़चन के रूप में है, जो कुछ बाधक है, उसका संग को त्यागो। जो कोई चीज़ इस प्रकार के योगावस्था को स्थापित करने में विघ्न सा मालूम होता है, बाधक होता है, उसके इसमें अटकाव के रूप में उसके रास्ते में एक विघ्न के रूप में आते, बस उसको त्यागो, उसका संगत मत रखो। योगावस्था क्या है? योगावस्था के माने हैं हमारा और भगवान के साथ जो एक मेल बन के रखना, वही योगावस्था है। जीवात्मा का परमात्मा की जो मेल है वही योगावस्था है। भक्त और भगवान की हमेशा एक संबंध बने रखना वही योगी और लक्ष्य की, ज्ञानी और तो ब्रह्म तत्व की जो मेल बना के रखना वही योगावस्था है। जब ये मेल नहीं है वहाँ पर वियोग हो गया। योगावस्था किस प्रकार से हम बने रखें? तो काम करते करते उनका स्मरण बने रखना अंदर, थिंक ऑफ गॉड एंड डू द राइट। योगस्तक कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजया, एक आदेश है। ये केवल मात्र टीचिंग नहीं है, केवल मात्र एक संदेश नहीं है, लेकिन आदेश है। कुरु शब्द जो है वो
इट्स इम्पेरेटिव. योगस्थ कुरु कर्माणि, इसमें भगवान मानते हैं कर्तव्य कर्म को करना पड़ेगा, उससे हम वहाँ छूट नहीं सकते हैं. ठीक है करो, लेकिन योगावस्था में करो, कर्म करो लेकिन अंतर में हमारे साथ जुड़े रहो. कैसा? सुमिरन के द्वारा. और जो इस सुमिरन में विस्मृति ले आती है उसका संग त्यागो. एनीथिंग दैट मेक्स यू फॉरगेट गॉड एंड टर्न अवे फ्रॉम हिम, गिव अप इट्स कंपनी. थिंग्स दैट मेक अस फॉरगेट गॉड एंड लूज अवर रिमेम्बरेंस. स्वामी जी ये तो बहुत है. मुंबई में सड़क में उतरते घर छोड़ करके भगवान तुरंत भूल जाता है. घर में जब तक हैं, इधर चित्र लगा है, गुरु का चित्र लगा है, राम रामकृष्ण परमहंस का चित्र लगा है, साईं बाबा का चित्र लगा है, याद तो रहता है. लेकिन जब तक हम घर के वातावरण के अंदर, पर्यावरण के अंदर है, थोड़ा बहुत याद आ जाता है. लेकिन बाहर चला गए तो बाहर निकलते ही घर भी भूल जाता है, भगवान भी भूल जाता है. अभी घड़ी देख करके ट्रेन कैच करना है, तो कैसा धक्का मुक्का करके अंदर जाएंगे. ये प्लान डालने में लग जाता है मन में, ये प्लानिंग अंदर जाते कैसे जाएंगे, अपना सीट कैसा अपना पकड़ेंगे. तो हो गया भगवत स्मृति, घर छोड़ते हो गया ऐसा. और जितना जितना हम शहर में जाते हैं उतना उतना ज़्यादा हो जाता है करके ये डिफिकल्टी प्रॉब्लम. अर्जुन भी शायद ये प्रॉब्लम भगवान के सामने डाला होगा. और भगवान तो अर्जुन को बहुत टॉल ऑर्डर दिया. हम तो साधारण पर्यावरण से भगवान का याद भूल जाते हैं, लेकिन अर्जुन जिस तरह के पर्यावरण में रहा वो तो विशेष भयानक, बिल्कुल बेबत्स है. रणभूमि जहाँ पर अभी थोड़े देर में कत्लबाजी होने वाला है, खून बहने वाला है, हजारों के संख्या में आदमी मरने वाले हैं, और एकदम कोलाहल मच जाएगा. क्या घोड़ों की आवाज़, क्या हाथी की आवाज़, क्या तलवार की आवाज़, क्या रथ की अच्छा ऐसा होने का है. तो उसके बीच में भगवान बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि माम अनुस्मर युद्धे च. युद्ध करना है तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म युद्ध है, माने कर्तव्य करना है, और माम अनुस्मर लेकिन मेरा याद रखो. तो इसके स्पष्ट अर्थ क्या है, भगवान ने ऐसा कैसा अपना अर्जुन को बता सकता है. और यहाँ पर तो अपना जो कर्तव्य कर्म में जो काम में पूरा ध्यान दे करके नहीं किया ऐसा क्षेत्र था तो हमारा सिर उड़ जाएगा. थोड़ा भी हम अजागृत रह गया तो युद्ध भूमि में पता नहीं क्या हमको हो जाएगा. पूरा जागृति वहाँ होना चाहिए. भगवान कहते हैं माँ मनुस्मर युद्ध से ऐसा होगा. इसकी समाधान ऐसा है, जो व्यवहार क्षेत्र में बहुत व्यवहार में फंस करके सुबह से शाम तक व्यवहार करना पड़ता है तो फिर भी भगवान के याद रखना ऐसा कहते हैं. ये कैसा होगा? तो कोई एक बार ऐसा प्रश्न पूछने में बोला, जब आदमी का काम ही पूरा की पूरा मन की काम है, कंसंट्रेशन दे करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये अकाउंट टैली करना है, टोटल टैली करना है, तब माइंड इज एंगेज, हाउ यू कैन थिंक ऑफ गॉड. इंटेलेक्चुअल वर्क में कोई डिफिकल्ट लॉ पॉइंट का सोचना है, वकील अपना चैम्बर में बैठ करके, तब कैसा हो सकता है? तो उसके लिए हाँ कहा, शुरुआत में भगवान का याद रखो, वो कार्य को शुरू करने में भगवान का याद रखो, और कार्य की समाप्ति में पुनः भगवान का याद रखो. एक भक्त के तारीफ हमेशा भगवान करते थे, ऐसा एक प्रसंग है. और
नारद जी के सामने तारीफ करते हैं, हमारा बहुत बड़ा भक्त है, नारद जी के सामने ऐसा लक्ष्मी जी के पास भगवान ने कहा, हाँ मेरा बहुत ही बड़ा भक्त है। नारद जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से अब ज़्यादा भक्त कौन हो सकता है, क्योंकि मेरा सिवाय हरि नाम के, सिवाय हरि भजन के, सिवाय नारायण नारायण के मेरा कोई है काज ही नहीं है, इसी में लगा हूँ मैंने, और फिर प्रपंच में ऐसा कौन हो सकता है, निरंतर भगवान के नाम लेता रहना ये कोई साधारण बात है। तो ऐसा भगवान तारीफ करते गया, फिर नारद जी उसको सहन नहीं कर पाए, वो बोले महाराज इन क्या विशेष है, ये कौन भक्त है, कहाँ है प्रपंच में, उनकी क्या इतना विशेषता है, क्या आप इतना उनका तारीफ करते हैं। हाँ अच्छा ये बात सही प्रश्न है नारद, तुम जा कर के तुम ही देख कर के आओ। हाँ तो फलाना देश में, फलाना राजधानी में, फलाना गांव में ये एक कृषि कर्म किसान होकर के कार्य करने वाला है, परम भक्त है। नारद जी गए वहाँ, गया तो स्थान प्राप्त हो गया, जैसा भगवान ने डायरेक्शन दिया था वैसा गए, देश गए, वो राजधानी में गए, वो गांव में गए, और छोटा झोंपड़ी है गए। अच्छा इनका लाइफ ऑब्जर्व करेंगे, एक पूरा दिन ऑब्जर्व करेंगे। प्रातःकाल उठा, अपना दान तीन साफ किया, थोड़ा मैं रात बना के रखा हुआ कुछ नाश्ता था उसको नाश्ता लिया, और हल उठाया, हल उठाते वक्त हे नारायण नारायण हे राम, ऐसा भगवान का दो बार नाम बोल करके हे नारायण 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 करके हल कंधे पर रख करके खेती पर गया, हल जोत करके अपना काम करने लग गया, हल चलाने लग गया, और बाकी जो कुछ खेत में काम करना था करता रहा। तीन चार घंटे पाँच घंटे बारह एक बजे तक क्या बहुत था, धूप तप गया, फिर जा कर के विश्रांति किया, तब तक घर से तो कुछ भाकरी रोटी बना करके धर्मपत्नी भेजी थी किसी माँ बच्ची के पास साथ में, तो आ करके तो वह प्रत्यक्षा करती रही एक पेड़ के छाया में, तो बैठ करके खाया, पानी ले आई, पानी पिया, खाया, थोड़ा सा विश्रांति किया, फिर दो तीन बजे फिर लग गया, सूर्यास्त तक काम करते रहा। और नारद ने देखा कि काम में लगा हुआ है, ना जप करता है, ना ध्यान करता है, ना सुमिरन है, एक बार भी भगवान का नाम भी नहीं लिया, और फिर भी तो काम समाप्त करके जब हल लेकर के वापस आया, हल को नीचे उतार करके झोंपड़ी के एक बगल में रखा, तब भी नारायण 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 हे प्रभु नारायण नारायण हरि नारायण नाम रख करके हल को रखा, फिर अंदर गया नहाया, अच्छी तरह से मिट्टी गिट्टी को बदन से साफ किया, नहाया, और थकान को परिश्रम को थोड़ा सा विश्रांति से निकाला, फिर थोड़ा खाया, खाट सिया पर बैठ करके बच्चों के साथ बातचीत करता रहा, धर्मपत्नी से वृत्तांत बताया क्या क्या काम चला खेती में, और कुशल फिर सो गया। नारद जी ने देखा पूरा दिन यही उनका, जा करके फिर वैकुंठ में भगवान को कहते हैं कि प्रभु मैंने तो मिल के आया, अच्छा हमारे भक्त को मिल के आया, बोलो बोलो भाई क्या उनका कारोबार है, कैसा उनका जीवन है। बोला मैंने पूरा दिन भर देख कर के आया, लेकिन आप इतना तारीफ करते हैं परम भक्त करके, सुबह एक बार आपका नाम लिया, शाम को एक बार आपका नाम लिया, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो दिन भर रात दिन ना आपका नाम लेता रहता हूँ। अच्छा ये सही बात है, आप तो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन तो मेरा वो विचार इस विषय में मैं बताऊँगा आपको, आप कल एक काम करना होगा,
नारद जी ने कहा जो अभी आप बताएंगे करेंगे। तो अगले दिन गया नारायण के सामने, तब भगवान ने सोने के एक वाटकी में, कटोरी में, बड़ा कटोरी में तेल बिल्कुल भर के नारद जी के हाथ पकड़ाया। देखिए नारद, एक बार हमारे इस जो दिव्य धाम है तो उसका एक बार परिक्रम करके आना, इसको हिफाजत से हाथ में रख कर के आना, लेकिन तो टेक केयर नॉट टू स्पिल एनी ऑयल, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरे, ऐसा संभाल करके। नारद जी हाथ में वाटी लिया, उसी से मैं हाथ कांपने लगा उनको, क्योंकि बिल्कुल भरा हुआ है, भगवान का आज्ञा है। तो आधा कुंभक करके आस्ते आस्ते कदम रख करके चलने लगे। जब भी थोड़ा सा रास्ता देखना है, आंख उठाना है, तब खड़े हो गए, हॉल्ट करके देख करके, फिर आयल के ऊपर पैर करके चलने लगे। ऐसा स्टॉप एंड प्रोसीड, क्रॉस रोड में आता है, ऐसा स्टॉप एंड प्रोसीड करते करते वो बहुत धीमे धीमे, पता नहीं 3-4-5 घंटा लगा होगा, तब तक नारद जी का पसीना निकल गया। और पूरा के पूरा ध्यान इसमें है, बहुत ही पाज से एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, भगवान ने कहा ऐसे। इसके पूरा कार्य करके जब कुछ नहीं गिरा और उसको कार्य को जैसा भगवान ने कहा कर दिया, आ करके भगवान के सामने खड़ा, ये तो आपने तो जबरदस्त कार्य हमको दे दिया है, हो गया परिक्रम, नहीं गिरा। भगवान ने उस वाटी को ले लिया। कहो नारद जी, जब ये परिक्रमा में रहे हमारे कितना बार याद किया आपने? हमने तो बिल्कुल याद नहीं किया जी। कैसा, आप तो परम भक्त हैं हमारे, कभी नहीं भूलते हैं, हैं? कैसा ये भूला गया? अरे याद कैसा करे, हमारे पूरा के पूरा ध्यान इससे कटोरे में रहा, तेल में रहा, हाँ तो इसके ऊपर हम ध्यान निकाल देता कहीं माँ तेल नीचे गिर जाता। आपने कहा कि गिरना नहीं चाहिए, मैंने कहा हाँ मान लिया था मैंने। जब एक कार्य, इम्पोर्टेंट कार्य करने में उस पर ध्यान देने के कारण पूरा के पूरा इतना समय आप हमें याद ही नहीं कर सके, तो वो बेचारा भगत के लिए ऐसा कितना जिम्मेवारी है, कितना कार्य है, परिवार का संभालना है, खेत का रखवाली करना है, बच्चों की भी माँ बातचीत है, क्या गौ की सेवा, क्या बच्चों की माँ तो फिक्र, क्या परिवार के पालन पोषण, और वहाँ तो जानवर की माँ सुरक्षा, और खेत की काम। तो आपको एक काम है तो उनको 10 काम है, ये 10 काम की बोझा जिम्मेवारी फिक्र रहते हुए भी हमें बिना चुके बिल्कुल एवरीडे विदाउट फेल, सवेरे भी, शुरुआत में भी, अंत में भी हमारा ये कर सका, कितना हमारे ऊपर उनको प्रेम है, कितना हमारे ऊपर उनको भक्ति है, तो इतना इसके बीच में भी वो हमें एक दिन भी नहीं भूलता था। तो आप एक काम में मग्न हो गए, हमें भूल गए, वैकुंठ में ही। तो देखा उनकी, हमारे ऊपर कितना उनकी आस्था है, तब जा कर के अपना फ्रेश एक्सपीरियंस था ना, तो उस अभी निकट पूर्व में हुआ अनुभव को याद रखते हुए नारद जी ने बोला हमने गलत किया, बिल्कुल मुश्किल है। तो ऐसा शुरू में भगवान का याद कर करके काम में लग जाओ, और काम के समाप्ति में पुनः भगवान की याद कियो। इफ़ यू डू दैट यू आर इन योगावस्था ओनली, बाकी टाइम में पूरा के पूरा काम में ध्यान दो। भगवान विल काउंट हाउ यू बिगैन इट, हाउ यू एंडेड इट, यू विल नॉट बादर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग वेर यू आर एंगेज, ही नोज योर परिस्थिति बेटर देन यू। इसलिए ये शुरुआत में समाप्ति में उनकी याद करना।
प्रारंभ में और समाप्ति में करते करते बीच में जब भी समय आ गया थोड़ा याद कर लो, और ऐसा प्रारंभ में समाप्ति में याद करके करता हुआ पूरा काम को तुम उसकी आध्यात्मिकरण कर लो। और क्यों, कैसा, पूरा काम को भगवान के चरण में अर्पण कर लो। तब क्या हो जाता है, भगवान के चरण में हम क्या अर्पण करते हैं, हमारा प्रार्थना अर्पण करते हैं, हमारा पूजा अर्पण करते हैं, हमारे फूल तो अर्पण करते हैं, बेलपत्ता तुलसी को अर्पण करते हैं, चंदन अर्पण करते हैं, जो अर्पण किया जाता है आराधना के विविध अंगों को हम उनके चरण में अर्पण करते हैं। ये समर्पण जो है तो उनकी आराधना होता है, आराधना की संबंधित वस्तु की हम अर्पण करते हैं, इसलिए ये भी आराधना बन जाएगा। ऐसा जो कुछ करते हो तो हमारे चरण में अर्पण यदि करे तब वो प्रपंच नहीं रह जाएगा, संसार की व्यवहार नहीं रह जाएगा, वो मेरे तरफ तो वह मुड़ जाने से और मेरे वास्ते करके मेरे चरण में अर्पण किया जाने से वो आध्यात्मिक है, वो साधना के एक अंग बन जाएगा। इस प्रकार से व्यवहार को साधना बनाने की तरीका भगवान स्वयं अपना गीता ज्ञान उपदेश में अर्जुन को बताते हैं। तो ये है, कर्म करते वक्त कर्तव्य कर्मों को बनाते वक्त फिर भी योगावस्था में रहना, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी तात्पर्य क्या है, भगवान स्पष्ट करते हैं। ऐसा शुरुआत में समाप्ति में मेरा याद रखो और करके पूरा के पूरा हमारे चरण में समर्पण कर दो, तब समस्त कार्य जो है तो हमारा एक साधना बन जाएगा, हमारा भक्ति भजन बन जाएगा और योगमय बन जाएगा, आध्यात्मिकरण उसका ऐसा बन जाएगा, स्पिरिचुअलाइजिंग ऑफ एक्टिविटीज इन दिस वे। अब देखिए, ये जो उन्होंने प्रकाश इस प्रकार से, तो कर्तव्य कर्मों के द्वारा उनकी आराधना किस तरह से हो और अनेक प्रकार के विविध वस्तुओं के बीच में रह करके भी और तथा कथित लौकिक पर्यावरण में होते हुए भी, तो उनकी याद रख करके तो माँ योगावस्था में कार्य करना, उसकी तात्पर्य क्या है, उसको जो समझाया है हमारे लिए इसी के वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा परिस्थिति ऐसा है, हम शहर में रहते हैं, उद्योग करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, दुकान में जाना पड़ता है, हमारा बिजनेस है, और ये पूरा के पूरा जो वातावरण है तो अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है, और प्रपंच को ही हमारे सामने खड़ा करता है। तो इसलिए ये इस प्रकार की परिस्थिति में रहते हुए हम योगावस्था को कैसा बने रखना, तो ये समझना हम इस परिस्थिति में रहने वाला सब साधक के लिए एक अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। तो इसीलिए भगवान ने दिखाया कि यहाँ पर भी तुम हो, जिस प्रकार से भी तुम अपना जीवन को बनाना पड़े, जिस प्रकार से कर्म क्षेत्र में आप कार्य करना पड़े, फिर भी हमने बताया इस रास्ता को पढ़ कर करके आप कर्म करें, तब आपके कर्म आपको बंधकारक नहीं हो सकता है। साथ में भगवान ये भी एक संकेत बताया हम स्वाध्याय भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं सत्संग में बैठ करके, दो बातों को हमेशा हर वक्त हम सुनते रहते हैं, परात्पर तत्व अवांग मन गोचर है यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बहुत ट्रांसेंडेंटल है, इंद्रियों से नहीं पहचाना जाता है, मन से उसका चिंतन करना मुश्किल है, बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, ये बात को हम सुनते हैं उपनिषदों में। साथ साथ वही उपनिषद जो भगवान को ऐसा सूक्ष्माति सूक्ष्म विचित्र इतना बुद्धिग्राह्य नहीं है, बहुत इंद्रियों से परे है जो बताता है, वही उपनिषद
ये भी कहता है ईशावास्यमिदगुण सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। प्रथम उपनिषद प्रारंभिक उसकी श्लोक में ये शब्दों से शुरू होता है, ये प्रपंच उनकी जो सृष्टि किया हुआ ये रचना उन्हीं से ओतप्रोत है। ये बहुत एक अर्थपूर्ण सारगर्भित घोषणा है, ये अनुभव सिद्ध घोषणा है। अप्रोक्ष अनुभूति के द्वारा जो उन्होंने एक दर्शन देख लिया उसको उन्होंने हम लोगों के वास्ते घोषणा करके रिकॉर्ड करके छोड़ दिया है। और ये दर्शन क्या था? निकट से निकट तत्व है वो, यदि परात्पर तत्व बता करके ये दूर से दूर तत्व है उनसा बहुत मुश्किल है। एक जगह में कहा बोला कि नहीं नहीं दूर से दूर भलाए हो लेकिन साइमल्टी यही तो मिस्ट्री है, निकट से निकट तत्व है, उससे निकटतम कोई अन्य तत्व है ही नहीं। बम्बई में भी सही, कलकत्ता में भी सही, न्यूयॉर्क में भी सही, लंदन में भी सही, तुम जहाँ पर हो तुम्हारे लिए सबसे निकट तत्व जो कोई हो वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है। तब ऐसा तुम्हारे ही साथ जो हमेशा है तो उसको कैसा तुम भूल सकता है भाई? इसलिए हम भूलते हैं कि हम उपनिषद को भूल जाते हैं, पढ़ लेते हैं तो पोती बंद करने के बाद बात को भी पोती के साथ रख लेते हैं, हम साथ नहीं ले जाते हैं वो बात को, हम हमारे जीवन में साथ लेकर के चलते नहीं हैं। ईशावास्यमिदगुं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये उनकी रचना उन्हीं से ओतप्रोत है। ये रचना में सर्वव्याप्त होकर के वही विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। कैसा विराजमान है ये और भी विचित्र बात है, तो वहाँ तक प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। वो विराजमान है इतना पर्याप्त है हमारे लिए। इसलिए हम दफ्तर गया तो हमारे पूजा घर में हम अपना दैनिक साधना की रूटीन फिनिश करके हम ध्यान गेंद सब करके जब करके जब हम नाश्ता लेकर के बाहर जाते हैं, ये नहीं कि आहा मैंने भगवान को पीछा छोड़ दिया, अभी प्रपंच में जाना पड़ता है। अरे तुम्हारा प्रपंच में वहाँ तुम जैसा निकला तुम तो सबर्बन रेलवे में जाना है, वो एकदम वहाँ से दफ्तर चला गया, उनके लिए रेलवे की ज़रूरत नहीं है, बस की ज़रूरत नहीं है। बिफोर यू हैव रीच ही इज़ ऑलरेडी देर, ही इज़ बिफोर यू इन द ऑफिस टू वेलकम यू। जब चाबी जा करके ऑफिस का कमरा खोलते हैं ही इज़ ऑलरेडी है चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी, वो भगवान बैठ रहा है। लेकिन वी ब्रश हिम असाइड, वी ही इज़ देयर प्रोक्लेमिंग हिज प्रेजेंस, वी डोंट सी हिम। वो बोलते हैं कि तो ये एक तत्व इतना वंडरफुल तत्व है फिर भी हम कितना हमारे ये है भूल है कि इस तत्व को हम तो वी अलाउ इट टू स्लिप थ्रू आवर अटेंशन। जो इस प्रथम उपनिषद की प्रथम श्लोक की प्रथम वार्ता को हमेशा हृदयंगम करके तो एक क्षण भी इससे तो अलग नहीं होते हुए ये विषण रख करके ये ट्रुथ को साथ लेकर के जाता है, उनके लिए योगस्थ कुरु कर्माणी आसान है, उनके लिए कोई ये नहीं है। क्योंकि वो देखता है जो मैं व्यापार करूं, मैं उद्योग करूं, मेरा प्रोफेशनल कार्य करूं, सर्विस करूं, सब मैं उन्हीं के सामने कर रहा हूं, उन्हीं के सान्निध्य में कर रहा हूं, वो उनके अस्तित्व होते हुए मैं कर रहा हूं। तो इसलिए तो हाथ जोड़ करके इसको करने में क्या बड़ी तकलीफ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये विष्णु को अपनाना चाहिए, ये हमारे प्रपंच के जीवन में
तो दिव्य भाव को रख करके जीवन बनाने की जो सीक्रेट की है, फीलिंग द ऑल परवेडिंग प्रेजेंस ऑफ भगवान। देखिए ये समस्या केवल मात्र आप और हम के लिए नहीं है, केवल मात्र कलयुग में जो जन्म लिया हमारे लिए नहीं है, शहर में रहते हैं हमारे लिए नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण जो है कलयुग का नहीं है, द्वापरा युग का नहीं है, कृतायुग का है। त्रेतायुग का होगा। वो क्या दृष्टांत है, भक्त प्रह्लाद की एनवायरनमेंट क्या था, वो क्या वृंदावन में था या अयोध्या में था या ऋषिकेश में था, क्या था? असुर का राजमहल, यहाँ पर सब असुरी असुर। असुरों की वातावरण और ये साधारण असुर नहीं है, जो हरि को शत्रु मानने वाले असुर, जहाँ पर बैन लग गया था हरि का नाम नहीं लेना चाहिए और कहीं घंटी बजा करके भगवान का पूजा आराधना नहीं होना चाहिए। कोई पूजा पाठ करेगा बस उनको कड़ा सजा मिलेगा, कोई दान धर्म करेगा उनको कड़ा सजा मिलेगा, कोई भी भगवान के संबंधित कार्य और कोई भी धर्म के संबंधित कार्य, हवन पूजा पाठ इत्यादि होवे बस उनका ये निकल जाएगा। ऐसा बहुत कड़ा आसुरी शासन लागू था और हर आदमी काम कमते हुए सब धार्मिक कार्य करना ही छोड़ दिया था, नहीं तो आपत आ जाएगा, जान के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए धर्म शून्य वातावरण, हरि भजन हरि नाम सत्संग इत्यादि तो नाम निशान भी उसका नहीं है, हवन अग्निकार्य इत्यादि का धुआं भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा तो एकदम धर्म शून्य वातावरण और हरिद्रोह के ही पर्यावरण उनके पैलेस में, कोई पाठ नहीं, पूजा नहीं, भगवान नहीं, मंदिर नहीं है। तो ऐसा वातावरण में प्रह्लाद था, लेकिन उनके अंदर उन्होंने भगवान के लिए भक्ति बसा दिया था और इसी वातावरण में उन्होंने अपना भक्ति को बिल्कुल विदाउट द लीस्ट बीइंग अफेक्टेड बने रखा। कैसा, उनका सीक्रेट क्या था, यही गीता की दूसरी एक इसमें हम आ रहे हैं। तो ये था, उन्होंने कहाँ भी सिवाय हरि के कुछ भी नहीं देखा, उनके अपना आँख में कुछ ऐसा उन्होंने रंग रंग डाल दिया था, तो वो पीलिया हो जाने में सबको सब चीज़ पीला प्रतीत होती है ना। ऐसा कहते हैं गोपियों की अवस्था, राधिका जी का अवस्था ऐसा भी हो गया था, क्योंकि तो इस श्याम वर्ण सुंदर श्याम सुंदर के तो हर हमेशा तो उसी का चिंतन करना, उसी का ध्यान करना, उसी में मगन रहना, ऐसा भाव से क्या हो गया, तो आँख खोला तो उसको श्याम वर्ण ही दिखाई देना, सब श्याम वर्ण दिखाई देना, उसका वास्तविक वर्ण कुछ भी हो लेकिन इस क्योंकि वो श्याम वर्ण से वो अपना पूरा के पूरा इसको रंग डाल दी थी, कृष्णमय हो गया था, श्याममय हो गया था। तो इसी प्रकार के प्रह्लाद की दृष्टि में उन्होंने अपना वातावरण में अपना चारों ओर जो कुछ भी था उसमें उन्होंने अपना हरि को ही पाया, हरि को ही देखता रहा। तो इस प्रकार के एक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, ऐसा भगवान का प्रपंच में रह करके संसारिक जीवन बनाते बनाते व्यवहार क्षेत्र में व्यवहारिक का कर्तव्य कर्म से तो हमेशा भरा हुआ जीवन में फिर भी योगावस्था बने रखने के लिए
ये संकेत दिया है, तो जहाँ पर भी जाते हो मैं तो वहाँ हूँ, और मेरा पहचानने के मैं तरीका भी बता देता हूँ तुमको। गीता के 10वां अध्याय में तरीका बताते हैं मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस किस रूप में हूँ। लेकिन ये पूर्णतया परिपूर्ण रूप की दर्शन नहीं है, मैं अमुक अमुक स्थान में ऐसा ऐसा हूँ इतना तो बताते हैं। लेकिन अंत में, विभूति योग के अंत में एक टेंटलाइजिंग बात को कह करके समाप्त करते हैं, तो बहुत सारे ऐसा विविध रूप में वर्णन करने से क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है वर्णन करने की। मेरा एक छोटा सा अंश में पूरा के पूरा इस जगत को व्याप्त हो करके मैं तो अपना स्वतंत्र उसमें परास्वरूप वैसा ही के वैसा बने रखता हूँ। थोड़ा मेरा एक अंश में पूरा इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैंने भर दिया हूँ, और स्वयं मेरा अधिक अंश जो है तो इससे परे है। परवेडिंग दिस एंटायर यूनिवर्स बाय फ्रैगमेंट ऑफ माय डिवाइन बीइंग आई स्टिल रेन सुप्रीम फार बियॉन्ड इट, ऐसा कह करके बंद करते हैं। ये जो लास्ट जो बताया है जो अर्जुन को इट मेक्स हिम वेरी वेरी क्यूरियस फिल्ड विद द ग्रेट डिज़ायर, ये क्या बता दिया। पहले तो अमुक अमुक स्थान में इस प्रकार से मैं हूँ ऐसा बता दिया, लेकिन अंत में भगवान जो कहा है ये बड़ा विचित्र बात है। उनके अंदर एक बड़ा क्यूरियासिटी को, बड़ा कुतूहलता को उत्पन्न कर दिया, तो क्या ये भगवान ने बताया है, ये बड़ा विचित्र चीज़ है, इसको क्या मैं थोड़ा बहुत इसका तो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकता हूँ क्या, दर्शन कर सकता हूँ क्या, ऐसा उनके अंदर ही लेफ्ट हिम इन दैट स्टेट ऑफ ग्रेट क्यूरियोसिटी, अराउजिंग ग्रेट क्यूरियोसिटी विद इन हिम। एट द एंड ऑफ द 10th chapter ही लीव्स हिम इन दिस स्टेट ऑफ इंटेंस क्यूरियोसिटी, इंटेंस डिजायर टू कैच ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट ही हैज हिंटेड एट। इसलिए 11वां अध्याय शुरुआत होते ही भगवान से सबसे प्रथम ये कहता है जो आपने बताया है ये मुझे तो आई एम एबल टू ग्रास्प इट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल, विल इट बी पॉसिबल फॉर मी, विल इट बी पॉसिबल, विल यू काइंडली एनेबल मी टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ दिस एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ यूर्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स, क्या मैं थोड़ा बहुत इसका एक्चुअली एक बार देख ले सकता हूँ क्या। ये रिक्वेस्ट और ये प्रश्न के साथ 11वां अध्याय प्रारंभ होता है, तो इसके कारण अर्जुन के ऊपर विशेष अनंत कृपा करते हुए तो भगवान उनका प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, उनका मांग को मान लेते हैं, बोलते हैं हाँ मैं करूँगा। तुम बहुत ऐसा बात को पूछते हो जो दुर्लभ प्राप्य है, देवादि देवों को भी ये प्राप्य नहीं है, तो आसानी से किसी को नहीं मिलता है, फिर भी तुम मेरा बहुत प्यारा भक्त हो, इसलिए मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, देऊँगा, लेकिन ये आंखों से तुम उसको नहीं देख सकते, मैं तुम्हारे लिए आंतरिक दिव्य चक्षु को दे करके एक बार दिखा दूँगा, तुम देख सकते हो, देखो, ऐसा करके दिव्य शक्ति दे करके जो बताते हैं, ये उन्होंने देखा तो हमारे लिए उसे क्या ताल्लुकात है, यू कैन आस्क, वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस, इट हैज़ गॉट ग्रेट मीनिंग फॉर अस, बिकॉज कम से कम भावात्मक दृष्टि से अर्जुन के जो ये दर्शन था विश्वरूप दर्शन, तो कम से कम भावात्मक दृष्टि से हम उसी दर्शन के आधार पर हमारा व्यवहार बनाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश किया ये असाध्य बात नहीं हो सकता है, और हमारे लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है, इस दर्शन की और इस अभ्यास की, इस दृष्टिकोण और इस साधना की आवश्यकता हमारे लिए अनिवार्य है।
उनको दिव्य चक्षु अर्जुन को दिया, विश्वरूप दर्शन योग, हाँ वो भी योग कहते हैं। इट डिड नॉट कल्मिनेट इन द गीता एपिसोड, इट वॉज इन द मिडल ऑफ द गीता। उसके बाद भी फिर और कई योगों को भगवान प्रकट करता है, सात योगों को फिर भी बताता है। तो ये 10 और 11 बीच में आ गया, 9 योग बता दिया है, तो 8 योग तो बताया है द्वितीय अध्याय से 9वें अध्याय तक, और 7 और योग बताते हैं विश्वरूप दर्शन योग के बाद में। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है, हम आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए शुरू कर दिया है, हमारे लिए उचित जो है उस योग मार्ग को हम स्वीकार कर दिया है, चुन लिया है, और हम साधना मार्ग में साधन करने लगे हैं। हम साधक हैं, योगी हैं और साधक हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनमें जिज्ञासा और मुमुक्षुत्व है। लेकिन ये हमारी आध्यात्मिक जीवन और ये हमारी साधना, हमारी योगाभ्यास तो किस आधार पर हम कर रहे हैं, उसकी क्षेत्र क्या है? किसी ना किसी क्षेत्र में कोई कार्य होता है, बुनियाद के बिना ये 5-6 मंजिली इमारत तो नहीं खड़ा हुआ है। बुनियाद चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, फील्ड चाहिए। तो वो क्या है? हमारे साधारण जीवन, हमारे दैनिक जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारा औद्योगिक और सामाजिक जीवन, ये 3 क्षेत्र में हम अनिवार्य कार्य करना ही पड़ता है। हम समाज में हैं, नेबरहुड है, समाज में हमारा ये लेन देन है, और हमारे सर्विस, हमारे व्यापार, हमारे उद्योग है, वहाँ पर 8 घंटा 9 घंटा रोज़ वहाँ पर डालना पड़ता है एक्सेप्ट संडेस, और घर आए तो पारिवारिक जीवन है, कौटुंबिक जीवन है, इसमें भी हम अपना कर्तव्य कर्म को निभाना पड़ता है। तो ये हमारे क्षेत्र है, और ये प्रपंच के आधार पर हम परमार्थ करने के लिए अभी शुरू किया है। प्रपंच के जो साधारण व्यवहारिक जीवन है वही हमारा आधार है, तो इस आधार में इन क्षेत्रों के बीच में रह करके हम करना है। इसलिए जब तक ये इन क्षेत्रों की जो परिस्थिति है उसको हमारे अंदर से कुछ एक विशेषता के द्वारा उसको बदलते नहीं हैं, उसको स्पिरिचुअलाइज नहीं करते हैं, देन वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट एंड बाय द एटमॉस्फेयर इन विच वी आर ऑब्लाइज्ड टू लिव। ऐसा नहीं होते हुए हम अपना प्रभाव को उसके ऊपर डालना है, तो हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन हो करके ही हम उसको ना के बराबर करके उसको बिल्कुल नया करके, उसी के द्वारा एक नया दर्शन को देख करके, और उस क्षेत्र को हमारा आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र बना करके, तभी हम अपना जीवन को, हमारा योगाभ्यास को, हमारे साधना को, हमारे अभ्यास को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुचारू रूप से और सफल रूप से तभी बना सकते हैं जबकि जो उसकी आधार है, जो क्षेत्र में रह करके हम साधक बन करके आध्यात्मिक जीवन बनाना है, तो उस क्षेत्र को हम परिवर्तित नहीं किया, उस क्षेत्र में रहते हुए भी उसको बिल्कुल हमने नहीं बदलाया, बदल दिया तब तक नहीं हो सकता है। और इसलिए जो साधक प्रपंच में रह करके संसारी हो करके अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक और सामाजिक और उद्योग जीवन बनाते बनाते साथ साथ साधक और भगवत भक्त बन करके भजन और साधना और अभ्यास करना है, तो उनको ये परिवर्तन करना अनिवार्य है। और ये परिवर्तन के लिए पारसमणि जो है ये गीता में दिया हुआ ये 3 बातें हैं, उनका स्मरण रखो, उनका स्मरण रखो, स्मरण रखते रखते अपना कार्य करो, और जो कार्य बन गया उनके चरण में उसको अर्पित करो। यत् करोषि यदस्नासि यद्धासि
जोहोष्यत तत्र यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, तो मेरा चरण में अर्पण कर दो, मेरा चरण में जो अर्पित किया जाएगा मैं उसको भजन मानूंगा, उसको आराधना मानूंगा, वो हमारे लिए पूजन है। तीसरा चीज़, यहाँ देखो हर चीज़ में उनकी जो सूक्ष्म और गुप्त रहस्यात्मक उपस्थिति है उसके तरफ तुम्हारे दृष्टि को रखो, ध्यान देखो। जहाँ देखता हूँ मैं अपना हरि को ही देखता हूँ, प्रह्लाद की जो दृष्टि रहा, गोपियों की जो दृष्टि रही, इस प्रकार के दृष्टिकोण रखते हुए सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोय जुग पानी, ऐसा दृष्टिकोण को रखते हुए तो अपना प्रपंच को परमार्थ बना देना। जैसा कि पारस्मिनी को स्पर्श करते ही लुआ सोना बन जाता है, ऐसा ये नए नवीन दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक भाव, तो उसके स्पर्श करते ही प्रपंच परमार्थ बन जाता है। व्यवहार जो है तो बिल्कुल तो आध्यात्मिक बन जाता है। ये इसकी आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहारिक क्षेत्र को ही अपना क्षेत्र बना करके उसमें हम आध्यात्मिक जीवन बनाना है, और हमारे प्रपंचिक जीवन के आधार पर हम अपना साधनामय जीवन योगाभ्यास को करना है। तो इसलिए ये परिवर्तन की आवश्यकता हम देख करके, तो गीता के दर्शन के आधार पर हमने इस प्रकार के परिवर्तन को ले आते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रह्लाद को याद रखना चाहिए, प्रह्लाद की इसको परमात्मा की ये सर्वव्यापित्व के ये जो मार्मिक जो सत्तत्व है, तो उसको हृदयंगम करके हम हमेशा ये ईश्वर प्रणिधाना का भी यही उद्देश्य है। ये महर्षि पतंजलि की अष्टांग योग की द्वितीय अंग नियम में अंतिम पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान, उसके उद्देश्य भी यही है। ईश्वर प्रणिधान इसलिए किया जाता है हमेशा हम कि गॉड कॉन्शियसनेस में रहें, उनके विस्मृति नहीं हो। और 11वां अध्याय की दर्शन के द्वारा भगवान ये हमें अंकित करते हैं, देखो बाहर जाते ही अनेक प्रकार की चीज़ में हमारा विस्मृति आ जाती है, कहते हो अरे हमारे विस्मृति के लिए इस रचना को हमने नहीं बनाया, लेकिन इस रचना को देख करके हमारी याद तुमको आ जाए, ऐसा उद्देश्य हमने बनाया है, तो उसका उल्टा तुमने समझ लिया है। जैसा ये इसकी किसी भी इलेक्शन के दल है, उसके जब चिन्ह हम देखते हैं उस उम्मीदवार की याद आता है, बिकॉज दैट साइन रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, किसी भी दल का हो, कांग्रेस है का हो, इसका हो, उसका हो, तो इस तरह से उनकी याद दिलाने के लिए प्रपंच में भगवान प्रकट हो प्रपंच के रूप में, तो हम उसका उल्टा इस्तेमाल कर दिया, इसको देख करके उनको भूल गया। भूलने के वास्ते नहीं है, गड़ा को देखने में कुमार की याद आता है, अच्छा सूट को देखने में टेलर की याद आता है, और तो इसी प्रकार से अच्छा मिठाई को देखने में हलवाई का याद आता है, अच्छा बना हुआ सुंदर फर्नीचर को देखने में बड़ाई का याद आता है, जो चित्र सुंदर चित्र देख करके हम एडमायर करने में इसका कौन आर्टिस्ट है जी, किसने इसको पेंट किया है जी बोलते हैं। ऐसा हर एक आदमी की रचना निर्माण को देख करके उसके रचयिता की याद आते वक्त केवल मात्र ये विचित्र रचना ब्रह्मांड की भगवान ने जो किया है, ब्रह्मांड को देखते ही इसकी निर्माता को तो हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, ये इलॉजिकल है, इरेशनल है, ये तो विपरीत है, इसलिए कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव पुट यू
in this mysterious, beautiful handiwork of mine, so that you may always look at the star, moon, sun, इसको देख करके हमें याद करो. जब बाहर जाते सी ब्रिज आता है, आहा कितना सुंदर हवा को भगवान ने बनाया है. ऐसा हर चीज़ को देख करके उनका शुक्र बताना, ये दिस इज द राइट एटीट्यूड ऑफ ए भगत. भगत की जीवन में सुबेरे से शाम तक भगवान को धन्यवाद देते रहते हैं. जो कुछ प्रपंच में तुमने रचाया है, ये सब हमारे वास्ते, तुम्हारे संतान के वास्ते, विश्व के प्राणी मात्र के वास्ते, कितना क्या क्या तुमने नहीं बनाया है. शिवाजी महाराजा के किला बनाते वक्त, सज्जनगढ़ के किला, बहुत आदमी काम करते हुए देख करके आहा, तो मेरा कार्य से कितना एम्प्लॉयमेंट हो गया है. एक गरीब देहाती आदमी को कितना आदमी का गुजारा हो जाता है करके ऐसा थोड़ा सा मन में शिवाजी को ये संतोष हुआ. कोई है गलत रूप में नहीं है, लेकिन तो समर्थ उस समय में उनको मिलने के लिए आते थे, और चेले के मन में क्या होता है, समर्थ ने पकड़ लिया उसको. आहा शोभा, कैसे हो, कैसा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है. चरण स्पर्श किया पगड़ी उतार करके, और चले हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं. चलते हैं. सो शिवाजी महाराजा पगडंडी में, क्योंकि वाइल्ड माउंटेन्स पहाड़ था, तो गुरुजी को लेते गया, और बिल्कुल पगडंडी में बीच में पत्थर, एक रईस में पत्थर, तो अल्पी पहन करके उसके ऊपर चढ़ करके गुरु महाराज कैसे जाएं. तो शिवाजी को तुरंत कुरियर को बुलाया, इसको हटा उससे, वो हटाने के लिए कोशिश किया, गड़ा हुआ है, छोड़ो उसको. घन और छनी से तोड़े वो पत्थर, बिल्कुल आधा टूट गया. टूटा तो क्या आश्चर्य है, पत्थर जैसा कि टूटा तो जो आधा रह गया जमीन में उसमें एक छेद है, तो उसमें से एक मेंढक निकला, थक कूद करके चला गया, और जो छेद में मेंढक था उसमें पानी, थोड़ा पानी. समर्थ ने कहा कि रामदास महाराज ने, अरे रे शोभा, तुम्हारे राजभार में कितना हिबाज से तुम प्रजा का पालन करते हो, ये मेंढक के लिए तुम पानी यहाँ पर बना के रखा है, पत्थर के अंदर भी तुम पानी बना के रखा है. ऐसा करके शिवाजी को देख करके आधा हंसते हंसते, कितना तुम्हारा ये है, तारीफ करते हैं. शिवाजी चरण स्पर्श कर लेता है, उनको मालूम हो जाता है मेरे वह व्यंग वार्ता कह रहे हैं हमारे गुरु जी. मैंने थोड़ी पत्थर के अंदर पानी मैंने थोड़ी रखा. फिर भी गुरु जी कहते हैं कितना तुम्हारा राजधानी में एक मेंढक का भी कितना तुम प्रवेशन करके रखा है. ऐसा बोला कि अपराध क्षमा करो गुरु महाराज. ऐसा ही एक अहंकार आ गया. ऐसा हर चीज़ विचित्र चीज़ ये जो भगवान ने बना रखा है उनकी याद करने के लिए. तो यही आज की ये है विषय, ये है अध्यात्म जीवन और साधना मार्ग में, साधना में जीवन एक प्रकार की पुनर्जन्म है. पुनर्जन्म है. पुनर्जन्म कैसा, स्थूल दृष्टि की जीवन से एक सूक्ष्म दृष्टि में पुनर्जन्म है. सी प्रपंच भगवान से भिन्न है, प्रपंच हमें भगवान से भुला देता है. ऐसा जो गलत विचार की अविचार के जीवन से एक पुनर्जन्म है. नहीं नहीं नहीं, ईशावास्य विदुगुण सर्वम मित्किंच जगत्याम जगत. जी भगवान इस प्रपंच में ओतप्रोत है, एक इससे इसमें पक्का स्पेस में भी वो एब्सेंट नहीं है.
एक अणु में भी वो अनुपस्थित नहीं है, उसमें पूरा के पूरा ओतप्रोत है। तो इस प्रकार की भाव में पुनर्जन्म और ये प्रपंच, ये परमार्थ, यहाँ हमने ये किया तो साधना, वहाँ वहाँ चले गए तो साधना से वंचना है, ऐसा करके साधना को, आध्यात्मिक जीवन को, प्रपंच को हमने एक कृत्रिम तरीके में हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, उसी से हम बहुत तो वह ये त्रास भोगते हैं, परेशान होते हैं। तो ये अलग हमने आर्टिफिशियली क्रिएटेड ये दो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है, तो उसको एफेस करना, वो कैसा, 100% ऑल लाइफ इज स्पिरिचुअल, क्योंकि 100% ऑल लाइफ इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड 100% ऑल लाइफ इज लिव्ड बाय मी एंड आई एम इमॉर्टल स्पिरिट। मेरा जीवन आध्यात्मिक के सिवाय और किसी और तरीके के जीवन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं एक अमर आत्म तत्व हूँ, हमारा जीवन और का अन्य कैसा हो सकता है। ये भावना से अपना निज स्वरूप को नहीं भूलते हुए, निज स्वरूप को हमेशा मन में रखते हुए, तो उस भूमिका से हमारा प्रपंच और व्यवहार को करना, तो इससे ये भावना रख करके वो परिपूर्ण 100% ये जीवन मैं जो बना रहा हूँ ये हमारे लिए आध्यात्मिक है, भला ही औरों के लिए व्यवहारिक जगत ये प्रपंच हो, लेकिन मेरे लिए प्रपंच नहीं है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक आत्मतत्व हूँ और मेरा जीवन परिपूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन है, और मेरा जीवन इसलिए दिव्य है, दिव्यता के सामने ही पूरा मेरा जीवन हो रहा है, इसलिए मेरा जीवन ही दिव्य है। इस प्रकार की एक नवीन दृष्टिकोण, नवीन भावना, नवीन अर्थ में पुनर्जन्म, ये रीबर्थ इनटू ए न्यू विजन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड लाइफ, रीबर्थ इनटू ए न्यू एटीट्यूड एंड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर लाइफ। तो इट इज़ रीबर्थ, ये रीबर्थ ही हमारे गारंटी है, एश्योरेंस है, जहाँ पर भी हम हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन और साधना में जीवन सफल हो जाए, हाँ, तो ऐसा इंश्योर करने के लिए, गारंटी करने के लिए ये एक ही तरीका है, अन्य तरीका नहीं है, हाँ। तो इतना ही कह करके तो आज के इस एक दिवस की साधना शिविर की दोपहर की जो सभा है उसमें हमारा योगदान और सेवा में संपूर्ण करके, बाकी संध्याकाल के सत्संग में और साधारण रूप में है, तो कोई विषय भगवान जो प्रेरणा करेगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी इतना तक का विचार को आपके सामने रख करके हम अभी समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत् परमात्मने नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमसः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि शिवं नारायणाय। नाहं कर्ता हरिकर्ता त्वत्पूजा कर्म चाखिलं, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं। हरिः ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। समझना चाहिए कि ऋणानुबंधन है या तो कर्म का फल, ये दोनों एक ही, दे मीन आइडेंटिकल, सेम थिंग। ये ऋणानुबंधन के मतलब ये है, पूर्व जन्म कृत कर्म के हिसाब लेन देन है, इसलिए हम इस
अनुभव के द्वारा उसको ऋण को अदा कर रहे हैं उसको। तो ऋणानुबंधन माने डिपेंड्स, इट डिनोट्स कर्म ओनली, इट रिफर्स टू कर्म ओनली, प्रारब्ध कर्म को डिनोट करता है ऋणानुबंध संबंध करके। दे डोंट मीन टू सेपरेट थिंग्स, दे बोथ मीन द सेम थिंग। हो गया महामंत्र, always people make a mistake of खंडिंग it। हाँ नहीं होना चाहिए। देखो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्तेर् पूजा मूलं गुरुर्पदम्। ध्यान मूलं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अज्ञानविनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दमान्नकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। आनन्दमान्नकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हरिः ॐ सद्गुरुदेव 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 पाहि मां श्रीगुरुदेव 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 रक्ष मा। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां शिवानन्द 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 रक्ष मा। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां शिवानन्द 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 रक्ष मा। सद्गुरुदेव 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 नमः ॐ। सद्गुरुदेव 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 नमः ॐ। शिवानन्द 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 शरणमो। शिवानन्द 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 शरणमो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अविचार ॐ ॐ ॐ ॐ भज ओंकार। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं
केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः गगनसदृशमेकं सच्चिदानन्दरूपं विमलमचलमाद्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् सकलविषयमूलं सर्वधी साक्षिभूतं परमसुखदभावं सद्गुरुं भावयामि ॐ श्री सद्गुरुपरमात्मने नमः हरिः हे प्रेम और करुणा के आराध्य देव, तुम्हें बारंबार नमस्कार है।
तुम सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हो, तुम सच्चिदानंद घन हो, तुम सब प्राणियों की अंतर्वासी हो। हमें उदारता समदर्शिता तथा मन की संतुलना प्रदान करो। श्रद्धा भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो। हमें आध्यात्मिक अंतशक्ति के वरदान दो, जिससे हम दुर्वासनाओं को दमन कर मन पर विजयता प्राप्त हो। हमें अहंकार दुष्कामना क्रोध द्वेष घृणा और ईर्षा से मुक्त करो। हमारे हृदय दिव्य गुणों से संपन्न हो। हम इन सब नाम रूपों में तुम्हारा ही दर्शन करें, तुम्हारी ही अर्चना के रूप में समस्त नाम रूपों की सेवा करें। सदा तुम्हारा ही स्मरण रहे, सदा तुम्हारा ही गुणगान करें। तुम्हारा कलिकल्मषहारी दिव्य नाम सदा हमारे अदरपुट पर रहे। हम सदा तुम्हें ही निवास करें, हम सदा तुम्हें ही निवास करें। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सत्यमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस तरफ आकर्षित करके आध्यात्मिक मार्ग में प्रेरित करने के लिए कोशिश किया। जहाँ पर है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया और सफल बनाने के लिए कोशिश करा। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सृष्टि करने के लिए कोशिश किया। टू ब्रिंग अबाउट द लाइट ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशन वेयर इट वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर एंड वेयर इट वॉज प्रेजेंट इवन ए वेरी स्मॉल मेजर टू फैन अप द फ्लेम्स एंड मेक इट ब्लेज फोर्थ and inspire people to take to this great ideal of spiritual unfoldment and illumination. ये गुरु महाराज की कार्य था और इसी एक उद्देश्य लग करके गुरु महाराज अपना जीवन भर में जीवन विकास संबंधी लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। 300 पुस्तक लिखा जीवन विकास की सर्व तो क्षेत्र में, तो आरोग्य के विकास, शारीरिक आरोग्य, बल पुष्टि की वृद्धि, आसन प्राणायाम, हठ योग और स्वास्थ्य शास्त्र, आहार के विषय में और व्याधि के निवारण के विषय में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के विषय में, न्यूट्रिशन के विषय में और नैतिक विकास के लिए, धर्म के विषय में, एथिकल टीचिंग्स, मॉरल एंड स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, मॉरल एंड स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, एथिकल टीचिंग्स, हाउ टू कल्टिवेट वर्च्यूज एंड इरेडिकेट वाइस, इतना इतना बड़ा किताब लिखा।
दुर्गुणों के निर्मूलन कैसा हो और सद्गुण की उपार्जन कैसा हो, हाउ टू कल्टिवेट वर्च्यू एंड निरैटिक एडवाइस, ऐसा बहुत सारे किताबों को लिखा और कई किताबों में इसी प्रकार के नैतिक विकास का बात लिखा, जैसा कि श्योर वेज फॉर सक्सेस इन लाइफ, स्टूडेंट सक्सेस इन लाइफ, ऐसा इनका बहुत विशाल क्षेत्र, विश्वात्मक क्षेत्र में इस प्रकार की जागृति के लिए कार्य किया और इसलिए ये उनके दिल के लिए बहुत प्यारा एक सेवा, अध्यात्म जागृति, अध्यात्म विकास, साधकों में प्रगति। और बोलते थे एक सच्चा साधक हमारे लिए बड़ा शाहिनशाह चक्रवर्ती से भी ज़्यादा मूल्यवान है, ए ट्रू साधक इज मोर प्रीशियस टू मी देन एम्परर ऑफ एम्परर्स और टू मी ही इज मोर प्रीशियस देन रेयर टिबेटियन मस्क और कश्मीर सफरॉन और डायमंड एंड गोल्ड, ही इज मोर प्रीशियस टू मी देन डायमंड एंड गोल्ड, ऐसा लिखा गुरु महाराज ने लिखते थे। इसका तात्पर्य आप समझो, आपका कितना सौभाग्य ऐसा एक महापुरुष के दृष्टि में आप साधक होना, साधक बन करके रहना, उनके दृष्टि में कितना मूल्यता को रखा है, उससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं आपका स्वयं की सौभाग्य कितना है कि साधना मार्ग में आपने अग्रसर हो रहे हैं, ज़्यादा प्रगति के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मार्ग में आजकल की परिस्थिति में वी हैव टू बैटल अगेंस्ट ऑड्स, ऐसा कहते हैं ना, कई प्रकार के विघ्न बाधाओं के साथ हम सामना करना पड़ता है, टकराना पड़ता है, तो उनको जीतना पड़ता है। और ये जीतने की बात जो है केवल फोर्स से ही नहीं होता है, युक्ति से भी होता है, शक्ति का ही प्रयोग करके ही हम तो हमारे शत्रु को जीतते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इस प्रकार के साधना के मार्ग में हम अपना युक्ति को भी प्रयोग करना है, मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, मन बड़ा चालाक है, और जो शक्ति से नहीं हो सकता है वो युक्ति से हो सकता है। देखिए दो प्रकार के शारीरिक व्यायाम के क्षेत्र में दो प्रकार की कला होते हैं, उसको बोलते हैं मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंग फू और जूडो, जुजुत्सु, ये सब कहते हैं। लेकिन एक आर्ट होता है तो ये दो, इट इज़ कॉल्ड मार्शल, वो बोलते नहीं, ए डिफेंसिव आर्ट, आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हम किसी को नहीं मारना चाहते हैं लेकिन कोई हमको मारने के लिए आए हैं तो उनको हम गिरा देना चाहते हैं, लेकिन कैसा, उनसे टकरा करके नहीं है, गिराने में तो जिस जोश और तो बल को लेकर के हमको मारना चाहते चाहता है उनका, उसी बल से उनको हम गिरा देने के लिए एक कला को तो परफेक्ट किया है। उसे आप कोई ज़्यादा बल प्रयोग नहीं करते हैं, जिस बड़ा तेज से आदमी दौड़ते हुए आपके ऊपर आक्रमण करता है वही तेज से उनको इनकान खिला देना, उनको समरसॉल्ट कर देना, थोड़ा सा एक मैनूवर से,
ये बहुत उन्होंने साइंटिफिक तौर से इतना सूक्ष्म इसको कई कई प्रकार के तरीका को पकड़ा है उसमें सब कुछ फिजिकल लॉ तो बैलेंस एंड इट्स ऑपोजिट ये बोलते हैं ना वो क्या है लीवर एंड फलक्रम प्रिंसिपल सब यूज करके ये करते हैं तो इट्स कॉल्ड डिफेंसिव आर्ट ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव आर्ट ऐसा युक्ति भी यूज करना है इसमें युक्ति ज़्यादा है शक्ति से बढ़कर युक्ति है और ये युक्ति में एक प्रिंसिपल क्या है कन्वर्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स तुम्हारे मार्ग में जो एक विघ्न के रूप में है तो उसी को तुम इस्तेमाल करके तो उसको एक सीढ़ी के जैसा बना करके उसके से आगे ऊपर उड़ जाओ और इसमें एक सूक्ष्म भी करते हैं क्रोध की शक्ति है क्रोध बड़ा एक जोश है तो शक्ति तो है तो उसको हम बॉटल करने के लिए कोशिश करें दबा के रखने के लिए कोशिश करें दबके एक बार विस्फोट हो जाएगा उसका कार को ऊपर उड़ा देगा बोलो ऐसा मत करो तो वो शक्ति को और किसी और दिशा में भाग ताकि वो भाग गया तो कोई दिशा में कुछ सक्रिय इसमें उसका प्रयोग हो गया तो नहीं है बाद में वो ख़त्म हो गया एक्सपेंड हो गया लेकिन एक निर्माणात्मक तो कार्य में ताकि उसी शक्ति से आपने कुछ ने कुछ ना कुछ पा लिया कुछ बना दिया इसको बोलते हैं तो डाइवर्ट इट एंड सब्लिमेट द फोर्स तो इसके वास्ते स्थूल शक्ति को तो उसको सूक्ष्म बना देना सूक्ष्म बना करके उसका दिशा परिवर्तन कर देना और अन्य किसी कार्य में उसको प्रयोग कर देना ऐसा कोई भी शक्ति जो हमारे व्यक्तित्व में हमारे स्वभाव में एक नकारात्मक तो दिशा में और नकारात्मक रूप में प्रकट करना चाहता है प्रकट करने के लिए कोशिश करता है तो ये हम एक इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करें तब उसका नकारात्मक स्वरूप सकारात्मक बन जाता है और उसकी स्थूल जो अवस्था है वो सूक्ष्मीकृत हो जाता है सूक्ष्म बन करके वो तो अपना इसको तो शक्ल को ही तो इट बिकम्स नो मोर एन ऑब्स्टिकल बट बिकम्स हेल्प ऐसा हम करने के लिए कोशिश करना इस किस तरह से इसको हम ये प्रिंसिपल को रख करके किस तरह से हमारे अंदर की जो दबी हुई शक्तियाँ हैं तो उन सबों को एक तो सूक्ष्म करना और उसको दिशा परिवर्तन करके और किसी सूक्ष्म रूप में प्रयोग कर देना उसको तो अंत में तमाम योग की प्रक्रिया भी इसी को बनता है तो अनेक प्रकार के आसन प्राणायाम मुद्रा बंद्रा इत्यादि करके हमारे अंदर की जो शक्ति है तो उसको स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप दिला करके तो उसके गति इंद्रियों के तरफ इंद्रियों के द्वारा विषयों के तरफ नहीं होते हुए तो मन और बुद्धि के द्वारा और भाव के द्वारा तो ईश्वर के तरफ ध्यान में उपासना में भक्ति और भजन में ऐसा करने का ही प्रक्रिया है तो इस प्रकार से हमारे पर्यावरण में वातावरण में हमारे व्यवहार क्षेत्र में जो भी इस प्रकार के ये हम पाते हैं विघ्न और बाधा या प्रतिकूल तत्वों को पाते हैं उसको कैसा हम अपने वास्ते अनुकूल बनाएं तो ये कोशिश करना चाहिए उसके लिए तरीका पकड़ने के लिए हमारे भगवान ने दिया हुआ बुद्धि और चातुर्य को
इस्तेमाल करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे, इवन इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साधना यू मस्ट ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस। योग कर्मसु कौशलम, आदमी दक्ष बन करके तो ये कार्य को करते ही जाना चाहिए, दक्ष बन करके कार्य को करते ही जाना चाहिए। एक बार जब श्री रामकृष्ण परमहंस देव अपना अंतिम समाप्ति की अस्वस्थता नहीं पहुंचे थे, बीमार नहीं हुए थे, लेकिन लगभग उनके जीवन की संध्या काल की हिस्सा समझो, जब वे दक्षिणेश्वर मंदिर में ही निवास करते रहे और उनके पास ये स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हुए नवयुवक विद्यार्थी आकर के उनके सत्संग में आने लग गए थे, तो उनमें से चुने चुने जो नवयुवक जिनमें इन्होंने कुछ विशेष आध्यात्मिकता की ये देख लिया, तो उनको विशेष रूप में छोटा सा एक ग्रुप बना करके उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन वगैरह देते थे। उस समय में उस ग्रुप में सबसे जो अग्रगण्य था ये जो बाद में स्वामी विवेकानंद बना, नरेंद्रनाथ दत्त था, और उम्र में भी वो और लड़कों से बड़ा था, थोड़ा बड़ा था। सबसे बड़ा तो एक स्कूल टीचर था जिन्होंने तो वचनामृत को लिखा है, महेंद्रनाथ गुप्ता करके, तो किसी स्कूल में हेडमास्टर थे वो और इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने पुस्तक को लिखा है। वो उस जो अंतरंग जो सर्कल था उसमें सबसे बड़े वो थे, और वो गृहस्थ भी थे, शादी जुदा थे और बड़े हुए थे। बाकी अविवाहित जो नवयुवक और विद्यार्थी उनमें सबसे उम्र में आयु में बड़ा नरेंद्रनाथ दत्त था। तो ये नवयुवकों की जो एक संघ था उनको विशेष रूप में वो ध्यान के वास्ते, साधना के वास्ते, संयम साधना व्रत इत्यादि के वास्ते वो प्रेरित करते थे। वो बोलते थे माँ उपवास करो, आकर के साधना करो, यहाँ बैठ करके माँ ये करो, ध्यान करो, जप करो, खूब जप करो, ऐसा प्रेरित करते थे। तो उन्हीं दिनों में ये उन दिनों में कलकत्ते से दक्षिणेश्वर से जाना आना कोई आसान बात नहीं था, और ये लड़के सब गरीब घराने के लड़के थे, और या किस्ती में आना था नौका में, कलकत्ते के पल्ली पार था वो, किंजस क्रॉस करने के लिए किस्ती में आना था, नहीं तो टोंगा में आना था बाली ब्रिज ये करके, टोंगा के लिए उनके पैसा नहीं है तो पैदल आना था। पैदल आया तो लगभग 7-8 माइल की ये था सफ़र था, 7-8 माइल जाना, 7-8 माइल आना, ऐसा था। इसलिए कभी कभी देर हो जाने में तो मंदिर में ही रह जाते थे ये लड़के, 2-4 लड़के मंदिर में ही रह जाते थे। मंदिर में रह गया तो सोने को नहीं देते थे रामकृष्ण देव, बोलते थे क्या रात भी सोएगा, जाकर के पा तो ये करो, ध्यान करो, जाकर के फिर पेड़ के नीचे जाकर के ध्यान करो, गंगा किनारे बैठ करके ध्यान करो। प्रपंच के आदमी रात सोता है, तो साधक भी रात सोया तो फिर कब अपना ध्यान करेगा, एकांत होकर के निर्बाधित होकर के कैसा करेगा, दिन में तो बाधा रहता है। तो ऐसा बहुत जल्दी उठ करके जब ध्यान में बैठते थे, कभी कभी 2 बजे 2:30 बजे जगा देते थे, जा करके ध्यान करो। तो स्वामी विवेकानंद जी ध्यान का बहुत शौक उनको बचपन से था, वो योगी थे, वो योग भ्रष्ट थे,
तो ध्यान में बैठा तो हर हमेशा जब ध्यान बहुत अच्छी तरह से उनको लग जाता था, बहुत गहरा ध्यान में वो पहुँच जाता था, बिल्कुल उसी समय ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में वहाँ पर पास में कोई एक कारखाना था, किसी चीज़ का कारखाना था, उसका शिफ्ट चेंजिंग के वास्ते सायरन जा रहा था। कारखाने का सायरन तो आप जानते हैं, हाँ, बहुत बड़ा लंबा रहता है, शंख बजा जैसा, हाँ, बहुत लंबा रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि दूर से दूर पहुँचे उसका आवाज़, और बिल्कुल निकट इनके लिए बहुत निकट था, और ऐसा वो थप्पड़ मारा जैसा, बिल्कुल वो फिसल के रूप में जो सायरन होता था तो उनको ध्यान को विक्षिप्त कर देता था, ध्यान में बाधा होकर के एकाग्रता को तोड़ देता था हमेशा। और एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसा ही हमेशा होना। और एक बार रामकृष्ण से उन्हें शिकायत किया, वो महाराज ऐसा होता है जब अच्छी तरह से हमको एकाग्रता आ जाती है, अच्छी तरह से ध्यान गहराई में पहुंच जाता है, ये हमारे लिए समस्या है। बराबर उसी टाइम में इसका सायरन का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल नाइट शिफ्ट होकर के मॉर्निंग शिफ्ट के वास्ते मैं क्या करूँ। मैं बहुत कोशिश किया इसका नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट, नहीं होता है, इसके लिए क्या करना है। बोले देखो, जब ये सायरन आकर के तुमको एकाग्रता को छोड़ देता है, तुम कल से क्या करना, तो उसी आवाज़ के ऊपर तुम्हारा अटेंशन को फिक्स कर दो, तुम्हारा पूरा ध्यान तो उसी आवाज़ में लगा दो। बड़ा ये उनको कह पटा ही नहीं, बिल्कुल ये ख्याल ही नहीं आया था। नेक्स्ट डे क्या किया, जैसा कि ध्यान में बैठ गया, खूब अच्छे तरह से ध्यान करता रहा, हटाता है, ही नेवर थॉट इट एज ए डिस्टर्बेंस। जैसा कि मंत्र उच्चारण करके 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 उसमें हम ध्यान लगाते हैं ना, तो उन्होंने वो आवाज़ आते ही उस आवाज़ के ऊपर धारणा कर दिया, उस आवाज़ के ऊपर धारणा किया तो एकदम एकाग्र हो गया, क्योंकि वो एक ही आवाज़ है ना, जैसा कि ओ हम दीर्घ प्रणव करते हैं, वो अपने आप बिना प्रयास के दीर्घ प्रणव बन गया, तो आवाज़ में ध्यान केंद्रित करते ही फिर उन्होंने ध्यानावस्था में पहुंच गया। देखिए ये सूक्ष्म है, ये युक्ति है, तो एक बाधा को अपना तरफ कर लेना, उसको अपना अनुकूल बना लेना, ऐसा हम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये समस्या मैंने आज प्रातःकाल साधकों के साथ बात करते करते मैंने कहा न दोपहर की इसमें विचार में, इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति कोई हमारा ही विशेष समस्या नहीं है, कलयुग वालों की और 20वीं शताब्दियों की मुंबई शहर में रहने वालों की ऐसा कोई विशेष हमारा ही एक समस्या है, अब तक किसी को इतना ऐसा डिफिकल्टी नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं है। मैंने कहा भक्त प्रहलाद के पूरा निवास राक्षसों के बीच में था, और साधारण राक्षसों के बीच में नहीं, यहाँ तो कम से कम सत्संग वगैरह मिल जाता है, यहाँ माँ संन्यास आश्रम है, रामकृष्णा माँ मिशन के आश्रम है, खार में और मरीन ड्राइव में प्रेम कुटी है, सब सत्संग मिल जाता है बारामासी, लेकिन वहाँ सत्संग का नाम निशान कोई ले तुरंत उनका वो कड़ा सजा, किसी को गला उड़ जाता था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के राज था, वो हरि को अपना सबसे बड़ा शत्रु बना दिया था, और बोलता था हरि का कोई नाम तो सपना में भी कोई ले बस देखो क्या होगा उनको, ऐसे सब भयभीत होकर के, जैसा मैंने कहा उस समय में कोई भी संध्या गायत्री अर्घ्य तर्पण हवन बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई मंदिर में पूजा नहीं है, घंटी नहीं है, कुछ कोई भी धार्मिक कार्य हुआ तो पूजा पाठ हो गया तो बस
तो आदमी फिर खतरे में हो गया। तो ऐसा कर्मकांड करने के लिए डर के मारे सब लगभग सब नास्तिक बन गए थे, क्या ब्राह्मण क्या सन्यासी क्या सब नास्तिक बन गए थे, क्योंकि वह कोई आस्तिकता की निशान नहीं बताना चाहिए। ऐसा वातावरण में भी प्रहलाद अपना भक्ति को अपना श्रद्धा को अपना भाव को हरि के प्रति उनकी जो आस्था रहा उसको बना रखा। क्यों? उनके अंदर उन्होंने ऐसा परिस्थिति को बना दिया था तो सब में वो हरि को देखा, राक्षस में भी हरि को देखा। अंततो गत्वा क्या हुआ, एक बिल्कुल जड़ वस्तु पाषाण के स्तंभ में भी उन्होंने हरि को आप स्वयं देखा और उसके लिए हरि को दिखाया भी पिताजी को, हरि प्रकट होना पड़ा। अग्नि में उनको टाका तो अग्नि में भी हरि बन गया, उनको तपा हुआ तेल में तापा तो वहाँ भी हरि, सांप के जहर में ढसाया तो वहाँ भी हरि, ऊपर से नीचा पत्थर में तो फेंका तो वहाँ भी हरि पर्वत के ऊपर से, और न समुद्र में टाका तो वहाँ भी हरि। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुली विष्णु सर्वम विष्णु एवं जगत, ऐसा भाव को उन्होंने बना के रख दिया तो उनको ना असुर ना कोई तो आसुरी पर्यावरण नहीं, बिल्कुल वातावरण कुछ नहीं, सब सात्विक सब दिव्य।